हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आई हैव टेकन अ न्यू टॉपिक दैट इज़ अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज यू नो गाइस। सो एग्ज़ाम्स में भी इस टॉपिक में से कुछ ना कुछ पूछ ही लिया जाता है। ये टॉपिक भी बाइलिंगुअल में है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। NEP 2020 is the third educational policy in the history of independent India after the policy of 1968 and the second policy of 1986. NEP 2020 1968 की नीति और 1986 की दूसरी नीति के बाद स्वतंत्र भारत के इतिहास में तीसरी शिक्षा नीति है। NEP 2020 was drafted by the committee headed by former ISRO chairman K. Kasturi Rangam. NEP 2020 का मसौदा समिति की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। ISRO के जो पूर्व अध्यक्ष थे उनकी अध्यक्षता में ये तैयार किया गया था। This National Education Policy 2020 is the first education policy of the 21st century and the aims to address the many growing developmental imperatives of our country. This policy replaced the 34-year-old National Policy on Education NPE 1986. Rashtriya Shiksha Niti 2020 21st sadi ki pehli shiksha niti hai aur iska uddeshya hamare desh ki kai badhti vikasatmak अनिवार्यताओं को संबोधित करना है। इस नीति ने 34 वर्षीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE 1986 का स्थान लिया है। As per NPE 2020, learning should be holistic, integrated, enjoyable and engaging. Therefore, the current 10+2 system is to be replaced by a 4-stage 5+3+3+4 structure. NPE 2020 के अनुसार सीखना समग्र, एकीकृत, सुखद और आकर्षक होना चाहिए। इसलिए वर्तमान 10+2 प्रणाली को 4 चरण 5+3+3+4 संरचना द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है। Education policy lays particular emphasis on the development of the creative potential of each individual. It is based on the principle that education must develop not only cognitive capacities, both the fundamental capacities of literacy and numeracy, and higher order cognitive capacities such as critical thinking and problem solving, but also social, ethical, and emotional capacities and dispositions. शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति की सृजनात्मक क्षमता के विकास पर विशेष बल देती है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा को न केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं दोनों साक्षरता और सांख्यात्मक और उच्च क्रम संज्ञानात्मक क्षमताओं की मूलभूत क्षमताएं जैसे कि आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान को विकसित करना चाहिए, बल्कि सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक क्षमताओं और स्वभावों को भी विकसित करना चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेस एम्फेसिस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग National Education Policy 2020 lays emphasis on conceptual understanding and improving educational outcomes so that children can implement the acquired knowledge and skills in real life. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वैचारिक समझ और शैक्षिक परिणामों में सुधार पर जोर देती है ताकि बच्चे अर्जित ज्ञान और कौशल को वास्तविक जीवन में लागू कर सकें। The examinations will be more focused to test the core competencies of learners rather than the memorized knowledge and facts. परीक्षा याद किए गए ज्ञान और तथ्यों के बजाय शिक्षार्थियों की मुख्य दक्षताओं पर का परीक्षण करने के लिए अधिक केंद्रित होगी। Next is reforms of NEP 2020 includes NEP 2020 के सुधारों में निम्न शामिल हैं। Equitable and inclusive education. Special emphasis is given to socially and economically disadvantaged groups. समान और समावेशी शिक्षा, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूह पर विशेष जोर दिया जाता है। Ensuring universal access at all level of schoolings from primary school to grade 12.
पूर्व प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। न्यू करिकुलर एंड पेडागॉजिकल स्ट्रक्चर 5+3+3+4, नए पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना, सेटिंग अप ऑफ स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण की स्थापना करना। नेक्स्ट इज करिकुलर एंड पैडागॉजिकल स्ट्रक्चर, शिक्षा की पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना। द करिकुलर एंड पैडागॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन विल बी रीकन्फिगर्ड टू मेक इट रिस्पॉन्सिव एंड रेलिवेंट टू द डेवलपमेंटल नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ लर्नर्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर डेवलपमेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एज रेंजेस ऑफ 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14 and 14 to 18 years respectively. स्कूली शिक्षा की पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना को उनके विकास के विभिन्न चरणों में शिक्षार्थियों की विकास संबंधी आवश्यकताओं और हितों के प्रति संवेदनशील और प्रासंगिक बनाने के लिए पुनर्गठित किया जाएगा, जो 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14, 14 से 18 की आयु सीमा के अनुसार है। द करिकुलर एंड पैडागॉजिकल स्ट्रक्चर एंड द करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन विल देयरफॉर बी गाइडेड बाय अ 5+3+3+4 डिजाइन कंसिस्टिंग ऑफ द पाठकीय और शैक्षणिक संरचना और स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचे को 5+3+3+4 डिजाइन द्वारा निर्देशित किया जाएगा, जिसमें निम्न शामिल है। फर्स्ट है फाउंडेशनल, 3 ईयर्स ऑफ प्री स्कूल प्लस ग्रेड्स 1 to 2। द फाउंडेशनल स्टेज विल कंसिस्ट ऑफ प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। इट विल ऑल्सो इंक्लूड अ फोकस ऑन गुड बिहेवियर, कर्टेसी, एथिक्स, पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, क्लीनलीनेस एंड टीम वर्क एंड कॉपरेशन एक्सेट्रा। बुनियादी पूर्व स्कूली के 3 साल प्लस कक्षा 1 से 2। बुनियादी चरण में खेल गतिविधि आधारित शिक्षा शामिल होगी। इसमें अच्छे व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता, स्वास्थ्य, समूह कार्य, सहयोग आदि पर ध्यान देना भी शामिल होगा। प्रीपैरेटरी ग्रेड्स 3 to 5। द प्रीपैरेटरी स्टेज विल ट्रांजिशन ग्रेजुअली फ्रॉम प्ले बेस्ड लर्निंग टू मोर फॉर्मल बट इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ सम लाइट textbooks in order to lay a solid groundwork across subjects including reading, writing, speaking, physical education, art, languages, science and mathematics. आरंभिक स्तर धीरे धीरे खेल आधारित शिक्षा से अधिक औपचारिक लेकिन संवेदनात्मक कक्षा शिक्षण में परिवर्तित हो जाएगा, जिसमें कुछ हल्की पाठ्य पुस्तकें शामिल होंगी ताकि पढ़ने सहित सभी विषयों जैसे लेखन, बोलना, शारीरिक शिक्षा, कला, भाषा, विज्ञान, गणित पर एक मूर्त आधार तैयार किया जा सके। मिडल ग्रेड 6 to 8, द मिडल स्टेज विल सी द इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट, टीचर्स फॉर लर्निंग, डिस्कशन ऑफ द मोर एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इन ईच सब्जेक्ट। द स्टूडेंट्स विल बी रेडी फॉर एट द स्टेज अक्रॉस द साइंसेज, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज। मध्य कक्षा 6 to 8, मध्य चरण में प्रत्येक विषय में अधिक अमूर्त अवधारणाओं के सीखने या फिर चर्चा के लिए विशेष शिक्षकों की शुरुआत देखी जाएगी, जिसके लिए छात्र इस स्तर पर विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक और मानविकी क्षेत्र में तैयार होंगे। हाई स्कूल ग्रेड्स 9 to 12 इन 2 फेजेस, दैट इज 9th and 10th इन फर्स्ट, 11th and 12th इन सेकेंड stage respectively, with an option of existing at class 10th and re-entering in the next phase. The high school or secondary stage will comprise of 4 years of multidisciplinary study, building on the subject-oriented pedagogical and curricular style of the middle stage, but with a greater depth, greater critical thinking, greater attention to life aspirations and greater flexibility and student choice. हाई स्कूल कक्षा 9 से 12 के 2 चरणों में, अर्थात पहले में 9 और 10 और दूसरे में 11 और 12 चरण कक्षा 10 से बाहर निकलने और अगले चरण में फिर से प्रवेश करने के विकल्प के साथ, हाई स्कूल या माध्यमिक चरण में
चार साल का बहुविषयक अध्ययन शामिल होगा। मध्य चरण की विषय अनुमुख शैक्षणिक एंड पाठ्यचर्या शैली का निर्माण, लेकिन अधिक गहनता के साथ अधिक महत्वपूर्ण सोच, जीवन की आकांक्षाओं पर आधारित ध्यान और अधिक लचीलापन और छात्र की पसंद। Fundamentals Principles of the NEP 2020 NEP 2020 के मौलिक सिद्धांत। Full inquiry and inclusion as the cornerstone of all educational decision to ensure that all students are able to thrive in the education system। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में आगे बढ़ने में सक्षम हैं और सभी शैक्षणिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण निष्पक्षता एवं समावेशन करना। इट इंक्लूड्स द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द लीडर। इट कवर्स ऑल थ्री एस्पेक्ट्स एज कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। इसमें नेता का समग्र विकास शामिल है। इसमें संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और संवेदीकामक पक्ष के रूप में सभी तीन पहलू शामिल हैं। Emphasis on conceptual understanding rather than rote learning and learning for exams. रटकर सीखने और परीक्षा के लिए सीखने की बजाय वैचारिक समझ पर जोर दें। Assessment of the students should be done by using different modes, methods, by different activities, including role play, portfolios, etc. छात्रों का मूल्यांकन विभिन्न विधियों का उपयोग करके विभिन्न गतिविधियों द्वारा किया जाना चाहिए, जिसमें भूमिका निर्भाना, पोर्टफोलियो आदि शामिल हैं। प्रमोटिंग सेल्फ असेसमेंट एंड द पीयर असेसमेंट डन बाय द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। कक्षा में छात्र द्वारा किए गए स्वयं मूल्यांकन और सहयोगी मूल्यांकन को बढ़ावा देना। रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर द लोकल कंटेक्स्ट इन ऑल करिकुलम, पेडागोजी एंड पॉलिसी, ऑलवेज कीपिंग इन माइंड दैट एजुकेशन इज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट। विविधता का सम्मान और सभी पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ के लिए सम्मान हमेशा ध्यान में रखते हुए कि शिक्षा एक समवर्ती विषय है। Establishment of the linkage of the concepts with the environment, or we can say that the linkage of the school with the home. संकल्पनाओं का पर्यावरण के साथ जुड़ाव स्थापित करना, या हम कह सकते हैं कि विद्यालय का घर से जुड़ाव स्थापित करना है। Promoting multilingualism and the power of language in teaching and learning. बहुभाषावाद और शिक्षण और सीखने में भाषा की शक्ति को बढ़ावा देना। क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, एनकरेज लॉजिकल डिसीजन मेकिंग एंड इनोवेशन। रचनात्मकता और आलोचनात्मकता चिंतन, तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं। इट एम्फेसाइजेस ग्रुप वर्क एज वेल एज इंडिविजुअल वर्क। NEP 2020 लिंक्स द स्टडी टू द करिकुलम। यह समूह के काम के साथ साथ व्यक्तिगत काम पर जोर देता है। NEP 2020 अध्ययन को पाठ्यचर्या में जोड़ता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू ऑल। थैंक यू।